शिवोनी। सो गाइस आज के अपने इस वीडियो पे जन्माष्टमी स्पेशल आपको कम बजट में बहुत ही प्यारी ये पोशाक आप अपने राधा कृष्ण के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम बजट पे और नेट स्पेशल जो मैंने ये पोशाक बनाई है बहुत ही प्यारी और बहुत ही कम टाइमिंग में बनने वाली है। तो आप इसमें से बहुत अच्छी चीजें टेक्निक है जो आप न्यू डिजाइन की पोशाक बना सकते हैं अपने राधा कृष्ण के लिए। तो ये हमारी राधा रानी का बहुत ही सुंदर लहंगा है, ठाकुर जी की पोशाक हमने धोती पैटर्न में तैयार की है, बहुत ही हैवी पटके के साथ कम ही बजट पे बननी है, बहुत ही जल्दी बन सकती है यदि आप लेट हो गए जन्माष्टमी स्पेशल पोशाक बनाना चाहते हैं। तो ये आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए गाइस मैं आपको ये ड्रेस बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं फैब्रिक से बताती हूँ जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे इस टाइप का नेट का फैब्रिक यूज़ है, इसमें काफ़ी सुंदर जरी का वर्क किया गया है। और यहाँ पे मैं बेस के लिए एक कॉटन का यहाँ पे कपड़ा ले रही हूँ और जो कि कॉटन इस पर रखने में उतना प्यारा इसका नेट नहीं आएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वन साइड ओपन करके। ये देखिए जैसे कॉटन है, मैं इसके एक लेयर पे डाल के दिखा रही हूँ आपको। ये कॉटन पे डालने पे उतनी अच्छी सी शाइनिंग नहीं आ रही ना फिनिशिंग आपको दिख रही। तो यहाँ पे इस नेट के फैब्रिक पे आप कुछ ऐसा भी बेस ले सकते हैं जिसपे शाइनी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा फैब्रिक शाइनी रहता है और काफ़ी सुंदर इस पर नेट आता है। जैसे मैं आपको ऐसे डाल करके एक लेयर पे दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी दिख रही है। ये देखिए बहुत ही प्यारी फिनिशिंग और फ्लावर दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दो बेस के कपड़े लिए हैं क्योंकि नीड थी हमें यहाँ पे नेट के फैब्रिक की जो ड्रेस बनाते हैं। यहाँ पे मैं कॉटन का इसलिए लेता हूं क्योंकि हमारे लहंगे को वॉल्यूम मिलता है और एक जो हमें बुकरम लगाना पड़ता है उसकी ज़रूरत हमें नहीं समझ में आती, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉटन का लिया। आप चाहे तो बुकरम ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे दो बेस लिए और ये फैब्रिक लिया हो। अब मैं आपको मेजरमेंट बता दे रही हूँ कि मैं 15 इंच राधा रानी के लिए बनाने जा रही हूँ जो पोशाक बनाने जा रही हूँ। तो मैं पहले उसका मेजरमेंट बना देती हूँ। मैंने इसका कुछ कपड़ा कट करके रखा हुआ है तो मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए पहले बेस कट करके रखा हुआ है हमने। ये जो मैं राधा रानी का लहंगा बना रही हूँ वो अम्ब्रेला कट पे है। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे कुछ मेजरमेंट और अम्ब्रेला का, ये देखिए ये हाफ अम्ब्रेला है, फुल नहीं है, द राउंडेड नहीं है, ये हाफ अम्ब्रेला है जो कि बहुत ही प्यारा आएगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हाफ ये अम्ब्रेला आएगा। तो मैं इसकी कटिंग पहले आपको बता देती हूँ। बेस का जो हमने मेन कॉटन का जो हमने बेस लिया है पहले मैं उससे आपको कटिंग बता दे रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर, हमें एक ट्रायंगल चाहिए होगा फैब्रिक के साइड का, जैसे फैब्रिक के साइड का एक ट्रायंगल आप इस तरह डबल फोल्ड करके ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे से ऐसे और यहाँ पे इस कॉर्नर से रख करके मैं 2.5 यहाँ पे से मार्क किया था मार्कर की हेल्प से, और यहाँ पे से भी 2.5 एंड 2.5 को इसी कॉर्नर पे रखना है हमें। जो कॉर्नर वाला प्लेस है ये देखिए इसको यहीं पे रखते हुए राउंड करना है। ये देखिए इस तरह राउंड करते हुए तो यानी 2.5 करके यहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे, और हमें एक गोलाई सी यहाँ पे मिल जाएगी जो कि अम्ब्रेला कट लहंगे पे रहती है। और हमारी राधा रानी जो 15 इंच राधा रानी होती है उनके लिए 9 इंच का लहंगा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 9.5, ये देखिए 9.5 यहाँ पे से मैंने लिया हुआ है। ये देखिए कॉर्नर से यहाँ पे रख कर हमने 9.5 लिया। इसी तरह हमने रखते हुए ये देखिए 9.5 पूरा यहाँ पे रख करके एक राउंड कट कर लिया। यहाँ से भी 9.5 रहेगा, यहाँ से भी 9.5 रहेगा। ये जो गोलाई है गाइस मैंने 15 इंच राधा रानी के अकॉर्डिंग 2.5 ली है। यदि 12 इंच की राधा रानी है तो आप यहाँ पे 0.5 कम कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे से 2 से लेकर 2.05 यहाँ तक कर लीजिए आप। ये देखिए 2 से यहाँ पे कर लीजिए, हाफ ना करते हुए यहाँ तक कर लीजिएगा तो आ जाएगा। इसी तरह और कम है तो आप यहाँ पे जो ये ट्रायंगल लेते हैं छोटा करते जाइएगा। इस तरह हमें एक ये गोलाई मिल जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये दूसरा बेस जिस पे हम बनाने वाले थे, ये देखिए दूसरा, क्योंकि हम नेट पे वर्क करेंगे या इस पे तो हमें इसकी ज़रूरत थी। और जो हमें ये बेस लगाने वाले हैं ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए लगाएंगे, और चूँकि हमारा लहंगा ड्रेस पोशाक जो है वो थोड़ी सी टाइट बने, बुकरम ना लगाना पड़े, इस वजह से हमने यहाँ पर कॉटन का यूज़ किया। तो इसी तरह हम सेम नाप पर रखते हुए ये देखिए बेस कट कर लिया। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करना है यहाँ पर इसका भी। ये देखिए ये उल्टा सर्फेस है एंड देन ये सीधा सर्फेस है, इस पर हल्की आपको शाइनिंग दिख रही होगी। हमें यहाँ पे इस तरह रखना है, ये देखिए इसको ओपन करके यहाँ पे रखते हुए पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे नीचे साइड से पूरा सिलाई करते हुए, और फिर पलट करके सीधी सिलाई लगा लेंगे जिससे ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए तो चलिए पहले मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली और फोल्ड कर लिया जिससे देखिए बेस का कपड़ा पीछे चला गया और सामने फ्रंट पे ये शाइनिंग वाला कपड़ा आ गया। ये देखिए और कमर वाले पार्ट पे भी हमने सिलाई करके फिक्स कर लिया। हम इस पार्ट को कट कर देंगे जिससे हमारी राधा रानी की जो कमर है ये राधा रानी के लहंगे का कमर आ जाएगा और ये बहुत ही प्यारा फिनिशिंग दिख रहा है। अब हम इस पर नेट लगाएंगे जो हम इस पर लगाने वाले थे। ये देखिए तो मैं इसको ओपन करके कितना लगाना है किस साइड से लगाना है आपको, ये देखिए इस तरह रख करके कितना प्यारा लुक आ रहा है। आप इस तरह लगा सकते हैं, यहाँ पे आप पहले किसी पिन की हेल्प से आप यहाँ से टक कर सकते हैं, देन कटिंग करके हमें सिर्फ यहाँ पे सिलाई करनी है, देन यहाँ पे सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है साइड साइड पे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अलग कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना वर्क ही चाहिए। तो चलिए हम इस पर कटिंग करके फिक्स कर लेते हैं।
देखिए मैंने नेक के फैब्रिक को भी इस पे ऐड कर दिया है। अभी सिर्फ ऊपर साइड से ऐड किया है, देखिए ऊपर यहाँ पे कमर वाले पार्ट पे ही हमने ऐड किया है देखिए। और हम इसमें अब नीचे लेस लगाएंगे, यहाँ पे देखिए लेस लगाएंगे। तो मैंने ये लेस मैं यहाँ पे यूज करूंगी, तो मैं यहाँ पे ये नीचे लेस लगाऊंगी। तो लेस मैं इस तरह से लगाऊंगी, ये देखिए कुछ इस तरह से बाहर करते हुए। मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी जिससे ये फैब्रिक एकदम अलग हो और ये लेस पूरी लग जाए। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से नीचे से लेस लगा दूंगी और इसको अलग करते हुए, इसको अलग करते हुए मैं इस तरह सिलाई करूंगी जिससे ये जो नेट वाला फैब्रिक है इसके ऊपर ऐसे फ्री रहे। तो मैं पूरे में नीचे लेस लगा लेती हूँ और यहाँ पे मैं बैंड बनाऊंगी। तो पहले मैं लेस लगा लेती हूँ। देखिए हमने इस पे यहाँ पे लेस लगा कर कम्प्लीट कर लिया और ये फैब्रिक, ये देखिए मेन फैब्रिक से फ्री रखा है हमने। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है, इस टाइप से न्यू डिज़ाइन भी हो जाती है और बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे देखिए ऊपर साइड पे जो कॉर्नर वाला एरिया है हमने इस टाइप के रिबन से, ये देखिए जो रिबन है इसकी हेल्प से कवर कर दिया, जो साइड से हमारा फैब्रिक भी नहीं निकलेगा और लेस भी परफेक्ट तरीके से सेट हो गई। तो ये तो बनकर तैयार चुका, हम यहाँ की कटिंग कर देते हैं। ये देखिए जो इनका कमर वाला पार्ट है इसकी कटिंग करके फैब्रिक अलग करके हम यहाँ पे बैंड बनाएंगे। चलिए पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। तो गाइस देखिए हमने इसको कट कर दिया। अब हम यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रिप्स ली हुई है, ये देखिए ये स्ट्रिप्स आप जब कट करें तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा स्ट्रेचुअल हो। ये देखिए साइड से साइड करते हुए कट करें तो कपड़ा क्या होता है स्ट्रेचुअल होता है। ये देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे इस साइड से जो वाला एरिया है इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे रख करके हम ये जो इसका गोल वाला पे एरिया है वहाँ पे रख कर सिलाई करेंगे इस तरह करते हुए, बहुत ही आराम से गोल से, जिस तरह ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। और ये देखिए बैंड होने लगा। इस तरह करते हुए हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी इस तरह पलटते हुए सामने से सिलाई कर देंगे तो बहुत ही प्यारा बैंड बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसका बैंड तैयार कर लेते हैं। सो गाइस देखिए हमने इसका बैंड बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही पतला बैंड बनकर के तैयार हुआ, बहुत ही मोटा बैंड नहीं है जिसे बहुत ही आराम से अपनी राधा रानी को पहना सकते हैं। इस पे हम इस टाइप की डोरी डाल देंगे, देखिए हमने इस टाइप की बहुत ही पतली डोरी हम इसमें डाल देंगे जिससे बांधने के काम आएगी। तो चलिए मैं इसको डाल लूँगी और मैं आपको उसकी चोली बनाना बताती हूँ। देखिए हमें चोली बनाने के लिए राधा रानी के लिए यहाँ पे फैब्रिक दिया, वही फैब्रिक जो हमने बेस पे लगाया था उसी पे हमने नेट लगा लिया। देखिए नेट को नॉर्मली फिक्स कर लिया इसके ऊपर चारों साइड से सिलाई करके। इसकी जो हाइट है 15 इंच राधा रानी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ा और यहाँ पे 6 इंच लंबा कपड़ा लिया। आप 6 से 8 इंच भी ले सकते हैं, मुझे यहाँ पे शॉर्ट चोली बनानी थी उस अकॉर्डिंग मैंने लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह हम एक बार और फोल्ड करके हम यहाँ पे नेक की डिजाइन लेंगे। सामने मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ, पीछे मुझे बेल्ट देना तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग रख रही हूँ, सामने मुझे चोली के अकॉर्डिंग कम देना। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का फैब्रिक रखा, बाकी पूरा फैब्रिक पीछे जाने दिया। अब यहाँ पे हम नेक का डिजाइन बना करके कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्कर की हद से नेक का शेप हमें राउंड शेप बस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह मार्क कर ले रहे हैं और चलिए मैं इसकी सिलाई करके कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा देखिए हमने इसका नेक वाला एरिया कट करके अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार के गोटे से कवर कर देंगे। ये देखिए गोटा लगा करके रोलर नेक वाला एरिया और साइड पर भी लगा कर कवर कर देंगे। और हम यहाँ पे नीचे पहले 2 प्लेट्स डालेंगे। देखिए तो आप जो चोली है उसको यहाँ पे 2 फोल्ड करके यहाँ पे से 1/2 इंच छोड़ते हुए आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 1 इंच की ऐसे लाइन बना लीजिए। ये देखिए यहाँ पे और इस तरह फोल्ड करते हुए मैं इस साइड भी ऐसे प्लेट्स डालनी है और इस साइड भी प्लेट डालनी है जिससे सामने चोली पे प्लेट्स आ जाए और गोटे से मैं कवर कर दूँ। तो चलिए मैं इसको कम्प्लीट करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने चोली बनाकर कम्प्लीट कर ली है। उसके सामने जिस तरह लेस हमने यहाँ पे यूज़ की थी लहंगे पे, ये देखिए जो लहंगे पे हमने लेस यूज़ की थी उसी लेस की हमने 1 पीस कट करके यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ पे पीछे देखिए हम खोल कर दिखाते हैं, हमने सामने ये डोरी भी लगा दी इसी पे, सिर्फ सिलाई की हो इसी के ऊपर। ये देखिए चारों साइड गोटा से कवर करने के बाद एक हमने यहाँ पे लेस का ये पैच लगा दिया और साइड पे नीचे ही हमने ये जो डोरी है इस सिलाई कर दी और फिक्स कर दिया। और पीछे देखिए कितनी प्यारी प्लेट्स आई हैं जिससे बहुत ही फिटिंग आएगी राधा रानी की। तो ये देखिए इनकी चोली तो बनकर के तैयार चुकी है। मैं आपको राधा रानी का ड्रेस दिखाती हूँ और उस पर मैंने इसको इंटरेस्टिंग चुनरी भी बनाई हुई है। तो ये रहा राधा रानी का लहंगा, ये देखिए इस पर मैंने अलग से भी लटकन लगा दिया बना करके, पर्ल पे ये लटकन बनाया हुआ है और ये बहुत ही प्यारा ट्रायंगल शेप का लटकन है। इसमें कुछ नीचे मैंने बीट्स लगा दी और यहाँ पे इस तरह टक कर दिया। ये देखिए तो ये राधा रानी का लहंगा तो बन करके तैयार हो चुका, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप फुल फ्लेयर पे है और सबसे अच्छी बात इसमें भी देखिए मैंने डोरी डाल दी, जैसे कि हमने बताया था कि डोरी डाल दी और मैं साइड पे बीट्स भी डाल दिए। ये देखिए वही डोरी जो हमने चोली पे यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये देखिए जो पतली सी डोरी है उसकी वही डोरी हमने यहाँ पे भी डाल दी है। ये देखिए जिससे राधा रानी की कमर पे फिक्स करने में हमें बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे मैंने आपको बनाते समय व्यक्त दिखाया था, ये देखिए पूरा अलग है, इस पे सेट नहीं है। ये देखिए ये नेट का है। यदि आपको आइडिया लगे कि आप नेट का ड्रेस कैसे बनाना चाहती हैं तो ये डिफरेंट तरीका है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, जो पहनने में जिस तरह हमारे लहंगे होते हैं सेम उसी तरह
तो लहंगा तो रेडी हो चुका है। मैं इसकी चुनरी आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी इसकी भी चुनरी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, पहले इसको साइड कर देते हैं। ये देखिए इसकी चुनरी है, राधा रानी की चुनरी बनाई हुई है हमने, काफी सुंदर है ये चुनरी भी। ये देखिए इस पे सेम जो हमने नेट यूज किया था, ये देखिए जो सेम नेट हमने इस पे यूज किया, सेम उसी पे हमने सिर्फ लेस लगा दी है। और इसको ज्यादा हमने मतलब हाइट पे नहीं रखा है, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं और बहुत लेंथ पे नहीं हमें, क्योंकि सिर्फ सिर पे रखना था। इस पे साइड पे हमने ये देखिए मोती का वर्क किया हुआ, ये देखिए इस पे साइड पे मोती का वर्क किया गया और लेस लगा दी, जिससे काफी प्यारा लुक आ रहा है इस चुनरी का, आप देख पा रहे होंगे। और काफी भरी हुई भराव है इसमें, तो हमें हैवी करने और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये रही इसकी चुनरी। मैंने ठाकुर जी की भी पोशाक बनाकर रखी है, बहुत ही सिंपल है तरीका, मैं आपको समझावट देती हूँ, आप हमारे किसी वीडियो से जाकर के विजिट करके उसे भी बनाना सीख सकते हैं। तो ये रही सबसे पहले ठाकुर जी की धोती, ये देखिए जैसे कि नॉर्मली बेसिकली पटके वाली हम धोती बनाते हैं, तो यहाँ पे सामने ये पटका रहा है और ये साइड पे ये धोती है हमने बनाई हुई, सिंपल ही धोती बनाई हुई है। ये आप कोई भी वीडियो हमारा जो यूट्यूब पे है उस पर धोती कैसे बनाई थी कान्हा जी की वीडियो अपलोड है, तो आप वहां से जाकर विजिट करके सीख सकते हैं। सिंपली धोती बनाई, इसमें हमने ये देखिए डोरी लगा दी है, जिससे बहुत ही आसानी से हम अपने कान्हा जी को ये पहना सकते हैं। तो ये इनकी धोती कुछ इस टाइप की रहेगी, ये रही इनकी धोती और ये रहा इनकी चोली। तो चोली को ये देखिए हमने थोड़ा सा लॉन्ग बनाया है कान्हा जी के अकॉर्डिंग। ये देखिए राधा रानी की जो चोली थी वो शॉर्ट थी, ये देखिए आपको सिंपली दिख रहा होगा ये थोड़ी शॉर्ट बनाई गई है, और कान्हा जी की जो चोली है लॉन्ग बनाई गई है। इनका भी बहुत ही प्यारा इनका पटका है, ये देखिए फुल वर्क पे है इनका भी पटका, इनपे साइड पे भी हमने इस पे लेस लगा के रखी हुई है, काफी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह ये हमारे कान्हा जी का ड्रेस तैयार है। इस जन्माष्टमी आप भी इस टाइप से पोशाक नेट की कैसे बनाएं, ये आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। काफी सुंदर इस टाइप की पोशाक लगती है, इस पे ज्यादा हमें वर्क नहीं करना पड़ता और काफी सुंदर पोशाक बनकर तैयार होती है। तो ये रही हमारे कान्हा जी की पोशाक, ये देखिए फुल बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारे कान्हा जी की पोशाक हो गई, ये चोरी और ये धोती और ये पटका उनका, और राधा रानी की पोशाक ये बनकर के तैयार हो चुकी है। बहुत ही सुंदर इनका, बहुत ही प्यारा फुल इनका फ्लेयर का इनका लहंगा बनकर तैयार हुआ है। सो आई होप गाइस नेट की पोशाक कैसी बनाई जाए इस जन्माष्टमी, आप नॉर्मल फैब्रिक पे भी किस तरह हैवी पोशाक अपने राधा कृष्ण के लिए बना सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिला होगा लहंगे का जो हमने डिफरेंट तरीके से आपको बनाया है। ये देखिए एकदम अलग फ्रिल पे किस तरह अटैच करना है, तो आपको इससे भी हेल्प मिलेगी। तो आई होप गाइस ड्रेस का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है शिव मोहनी 14। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।